लास्ट क्लास में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो बेटा सिंथेटिक की बात करते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, मैन मेड, जो हमने बनाए, ठीक है, केमिकल्स। जैसे कि बेटा पहला क्या है, फिनोक्सिलीन हमने बनाया, मतलब ये नहीं कि केमिकल्स हमने बनाया, मतलब बनाया जाता है, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स से आपको मिलते हैं एसिड्स, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, सॉरी इंडिकेटर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है। पहला बेटा जरा देखिए फिनोक्सिलीन, बेटा फिनोक्सिलीन वैसे कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कैसा है बेटा ये इंडिकेटर, कलरलेस। सो फिनोक्सिलीन इज सिंथेटिक इंडिकेटर ऑब्वियसली, और बेटा ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, जैसे वाटर होता है ना बिल्कुल कलरलेस, वैसे ही ये भी कलरलेस ही होता है। लेकिन बेटा जैसे ही इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में सेम रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन रह गया, एसिडिक सॉल्यूशन में तो बेटा ये कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया जाए, कैसा सॉल्यूशन डाल दिया जाए बेटा, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेटा ये कलरलेस से कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन डाला और फिनोक्सिलीन का कलर अगर कैसा हो गया, पिंक हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है बेटा, बेसिक है, ठीक है। अब अगर आपने एसिड डाला तो वो कलरलेस रह जाएगा, और अगर वो न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ, तब भी बेटा क्या रहेगा, ये कलरलेस ही रहेगा। तो बेसिकली आपको बताएगा बेसिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है, मिथाइल ऑरेंज, जो कि एक्चुअली किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का ही होता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए जरा, मिथाइल ऑरेंज में अगर बेटा न्यूट्रल डालोगे तो ऑब्वियसली वो बेटा ऑरेंज कलर का ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस को कुछ भी इफेक्ट डालता ही नहीं, तो वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा। लेकिन अगर बेटा आपने इसमें क्या डाल दिया, एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया बेटा, एसिड डाल दिया, तो बेटा ये ऑरेंज से किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा बेटा, रेड कलर। तो अगर आपने मिथाइल ऑरेंज में क्या डाल दिया बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया, तो बेटा फिर ये क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, समझ में आ रही बात है। और अगर आपने इसमें क्या डाल दिया बेटा, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेटा ये किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड और बेसिक दोनों सॉल्यूशन पे रिएक्ट करता है, लेकिन बेटा जो हमारा फिनोक्सिलीन है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन, समझ में आ रही बात है। तो ये क्या थे हमारे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली न्यूट्रल नेचुरल बेटा गलत होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन पे तो बेटा किसी भी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, जैसा है वैसा आपका वैसा ही रहेगा, तभी तो वो न्यूट्रल है बेटा। कलर कब चेंज होता है, हाँ जी, जब केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन होने के लिए बेटा कोई ना कोई एसिड या बेस चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अरे क्या हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो अभी तक जो हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है उसको हम बेटा समराइज कर, ठीक है, सारी की सारी चीजें मैंने आपके लिए एक टेबल में बना दी, ठीक है। तो जरा देखिए, नेम ऑफ इंडिकेटर देखेंगे, उसके बाद हम बेटा देखेंगे कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, फिर बेटा बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, न्यूट्रल दिया हुआ है, उसके बाद बेटा बेसिक में। तो यहां पर हम जो कलर देखेंगे वो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए देखेंगे, यहां पर बेटा न्यूट्रल के लिए देखेंगे, और यहां पर बेसिक के लिए। तो ये टेबल आपकी हेल्प करेगी चीजों को बताने में। तो यहां पर जो मैंने लिए हैं वो बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स के लिए, और यहां पर बेटा कैसे लिए हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। किसी बच्चे को दिक्कत, शुरू करते हैं बेटा ब्लू लिटमस पेपर से। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन बेटा कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, पढ़ा है हमने, और इनफैक्ट हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा, समझ में आ रही बात है। और बेटा न्यूट्रल में कैसा रहेगा, पर्पल जैसा कलर होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, और बेसिक सॉल्यूशन बेटा कैसा रहेगा, ब्लू का ब्लू रहेगा। अगर बेटा ब्लू लिटमस पेपर है, सुन लीजिए जरा, ब्लू लिटमस पेपर, पर्पल कलर कहां से आ गया, ग्रीन अच्छा, इसका बेटा जो नेचुरल कलर होगा वो पर्पल होता है, ठीक है। तो वैसे तो ये कैसा रहेगा, पर्पल, लेकिन हम इसको कलर एड करके ब्लू बनाते हैं, तो बेटा ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है,
ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ये न्यूट्रल में। रेड लिटमस पेपर बेटा क्या होगा? हाँ जी, रेड लिटमस पेपर बेटा एसिडिक में कैसा रहता है? रेड का रेड ही रहेगा। न्यूट्रल में बेटा कैसा रहेगा? रेड का रेड ही रहेगा। ये इसका एक्चुअली नेचुरल कलर है, ठीक है, इसलिए पर्पल लिखा होगा। और बेटा बेसिक सॉल्यूशन में रेड से कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद बेटा फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया ब्लू कलर का होता है ऑब्वियसली, तो बेटा एसिडिक में भी ब्लू रहता है और न्यूट्रल में भी ब्लू रहता है। सिर्फ और सिर्फ कलर किसमें चेंज होता है बेटा? बेसिक सॉल्यूशन। और किसके होता हो जाता है? ये पिंक कलर का हो जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया। अच्छा टर्मरिक बेटा ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्यूशन में तो येलो का येलो ही रहता है ना, बेसिक सॉल्यूशन में चेंज होता है, न्यूट्रल में तो ऑब्वियसली येलो का येलो ही रहता है। न्यूट्रल में किसी भी इंडिकेटर में कोई भी चेंज नहीं आता है। और बेटा इसमें कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, आपको ऐसे ही टेबल में एज इट इज याद होने चाहिए, ठीक है। रेड कैबेज की अगर बेटा बात करें तो पिंक है, ये सिंथेटिक में कैसे आ गया बेटा? मुझे लग रहा है स्पेस की थोड़ी सी कमी रही है, कुछ गड़बड़ हो गया बेटा। ये किसमें आएगा? नेचुरल में आएगा, ठीक है, ये बेटा नेचुरल में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं, ये बेटा नेचुरल में आएगा, ठीक है। ये लोग यहां पे तो रेड कैबेज बेटा एसिडिक सॉल्यूशन में कैसी हो जाती है? पिंक कलर की हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, और न्यूट्रल में तो ऑब्वियसली अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बताइए किसी बच्चों को दिक्कत? और बेटा बेसिक में हमने सुना, हमने मैंने आपको बताया था लाइट ग्रीन कलर के होता है, कैसे हो जाते हैं बेटा? लाइट ग्रीन कलर। क्लियर हो गए बात? नहीं तो ये सारे के सारे हो गए बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स। अब आगे बढ़ते हैं, फिनोक्सिलीन बेटा अभी हमने जस्ट पढ़ा है, फिनोक्सिलीन बेटा अभी जस्ट हमने पढ़ा है। एसिडिक सॉल्यूशन में बेटा कैसा रहता है? कलरलेस का कलरलेस। न्यूट्रल में भी कैसा रहता है बेटा? कलरलेस का कलरलेस। बेसिक में कैसा हो जाता है? पिंक, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंथेटिक। नेक्स्ट बेटा देखते हैं इसका, नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज बेटा। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है? रेड हो जाता है, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है। लेकिन बेटा न्यूट्रल में कैसा रहता है? येलो का, सॉरी ऑरेंज का, ऑरेंज ही रहता है। मिथाइल ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज का येलो। ये सारे के सारे बेटा इंडिकेटर्स, और भी इंडिकेटर्स होते हैं लेकिन जो हम मेनली यूज करते हैं वो ये होते हैं। और ये हम सबके लिए किसके लिए देख रहे हैं? चेंज इन कलर। इन सारे इंडिकेटर्स में हमने किसके ऊपर बात की? चेंज इन कलर।